नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। गौर से देखिए इस तस्वीर को कि कैसे नागरिकता संशोधन कानून का विरोध शांतिपूर्वक किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी, मंगलुरु, चंडीगढ़, बंगाल, असम तक शांतिपूर्वक मोर्चा निकाला जा रहा है। पीएम मोदी के गढ़ बनारस में भी सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और पुलिस कुछ कहने से बच रही है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है? आप सभी ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसा कि हमें हांगकांग में देखने को मिला। वहां की जनता तो संसद तक में घुस गई और नेताओं पर भी हमला कर दिया, लेकिन फिर भी एक भी जान नहीं गई। तो वहीं हमारे भारत देश में ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लोगों की जानें कौन ले रहा है? वही प्रसिद्ध लेखक अरुंधति रॉय, जो सत्ता के खिलाफ लिखती आई हैं, उनका इस पर क्या कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। आप कह रहे कि आपका आधार कार्ड ठीक नहीं है, राशन कार्ड ठीक नहीं है, वोटर कार्ड ठीक नहीं है, हम तय करेंगे कि कौन सा कागज लाना पड़ेगा, कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा। और इसमें मुसलमान के खिलाफ तो बायस है ही है, लेकिन जो गरीब लोगों के पास कागजात नहीं है वो क्या करेंगे? वो कह रहे कि हाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते, कौन जा सकते हैं, किसके पास वो पैसा है? हमारा प्रधानमंत्री अपना डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास एक इलेक्शन में शादी का स्टेटस एक है, दूसरा में दूसरा है, बर्थडे भी अलग अलग होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना कागज का गोलमोल करते हैं तो पूरा देश क्या करेगा? हमें बताना पड़ेगा इनको कि हम क्यों नागरिक हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे। अरुंधति रॉय ने बताया कि इस कानून को लेकर सारे तबके के लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बहुजन समाज के क्यों ना हो, सब में मोहब्बत की झलक देखी जा सकती है। हमें जरूरत नहीं है सरकार को अपनी नागरिकता साबित करने की। वहीं मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन का कहना है कि हम देश के गुलाम नहीं है जो हम नागरिकता साबित करें, जो देश है वो हम लोगों से है, ये लाठी तंत्र नहीं ये लोकतंत्र है। सो सबका एक ही है, ये बड़ा समस्या है, ये छोटा नहीं है। हमें गुलाम नहीं है, गुलाम है तो आपका दिखाएंगे, ये मैं देश का नागरिक है, देश मुझे जवाब देना, मैं उनका देना, देश मतलब कौन है, हम ही है। ये लाठी तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। छात्र बाहर आ रहे हैं, मतलब क्या है, देर इज ए डिसेंट है, देर इज ए असंतुष्ट है, कान खोल के सुनना पड़ते। आप लाठी लेके सबका सबक सिखाना नहीं चलते, लोग हम लोग भी तैयार है, सबक सिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पुलिस की वीडियो वायरल हो रही है, जहां पुलिस निहत्ते लोगों पर लाठी बरसा रही है। बल्कि नेता भी शामिल हैं। वहीं कर्नाटक के मंत्री सीटी रवि ने इस कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर मुस्लिमों को खतरनाक चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर बहुसंख्यकों ने अपना धैर्य खो दिया तो गोधरा की तरह दंगे दोबारा हो सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये दंगे फसाद कौन करवा रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पुलिस का कर्म ही उनका धर्म है। ये कैसा कर्म है जहां पुलिस वाले बिना नेम बैच के घूम रहे हैं, देखें ये वीडियो। सर एक सवाल था, आप लोगों के किसी के नेम बैजेस क्यों नहीं है? गिर गए होंगे, सबके गिर गए, सारे पुलिस वालों के नेम बैज गिर गए। थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको, नेम बैच के बिना ड्यूटी कर सकते हैं आप लोग? मैं तो ये भी कहूंगी कि इन सब के लिए मनुवादी मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो जनता के साथ धोखा कर रही है और सत्ता का साथ दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कुछ अराजक तत्व के लोग प्रदर्शन में शामिल होकर हिंसा भड़का रहे हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसी सच्चाई दिख रही है। बीते दिनों में देखा जा सकता है कि कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के
कार्यकर्ता कपड़े बदलते हुए लुंगी और टोपी में नजर आए और रेलवे पर पथराव कर दिया, जिसमें वो 5 लोग शामिल थे, जिसमें से एक बीजेपी कार्यकर्ता शामिल था। जैसा कि झारखंड चुनाव रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि ये लोग जो आग लगा रहे हैं, टीवी पर जो दिखाई दे रहा है, वो लोग कौन हैं, उन्हें उनके कपड़े से पहचाना जा सकता है। तो अब आप लोग तो पहचान ही गए हैं कि कौन दंगे भड़का रहा है और कौन दोबारा गोधरा दंगे करवाना चाहता है। इसको आप अलमामा इकबाल के शेर से बखूबी समझ सकते हैं। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। ये कानून किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है। तभी देश के हर कोने से इस कानून का विरोध हो रहा है। इसमें सभी समुदाय शामिल हैं, लेकिन सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि वो इसको लागू करके ही मानेगी। देखना ये होगा कि इस जंग में सच जीतेगा या फिर झूठ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।